यस yes, एक बार बता दें जरा मेरी स्क्रीन विजिबल है कोई नेटवर्क इशू है कोई इशू नहीं है प्लीज़ बताएं क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है यस एक बार चेक कर दें मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है अगर नहीं है स्क्रीन विजिबल तो कोई इशू नहीं है प्लीज़ बताएं ज़रा स्क्रीन विजिबल है मेरी साउंड भी विजिबल है या साउंड विजिबल है बताएं ज़रा यस साउंड आ रही है साउंड नहीं आ रही है तो प्लीज़ बता दें मेरे को यस साउंड भी आ रही है साउंड का तो कोई इशू नहीं है एक बार बता दें फिर मैं आगे चलता हूं यस यस साउंड भी आ रही है स्क्रीन भी आ रही है कोई इशू नहीं है नेटवर्क इशू कभी भी हो सकता है यहां भी हो सकता है वहां भी हो सकता है स्क्रीन भी आ रही है ऐसे बता दें स्क्रीन विजिबल है साउंड विजिबल है फिर मैं आगे शुरू करता हूं यस चार्ट नॉट विजिबल एक बार देख ले मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है आपको अगर विजिबल है तो प्लीज बता दें निफ्टी का चार्ट ओपन किया है क्या विजिबल है यस yes. uh, मेरी साउंड भी आ रही है स्क्रीन विजिबल साउंड विजिबल ओके चलिए फिर शुरू करते हैं अगर सब कुछ ठीक है तो मैं स्ट्रीमिंग शुरू करता हूँ और हम शुरू करते हैं राइट right? कोई इशू नहीं है अगर आपका नहीं भी हुआ तो ये आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी तो आपको इसलिए डर नहीं है राइट यस आराम से आप करते रहिए मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ शुरू करते हैं अगर कहीं पर आपको नहीं भी होता तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी तो डरने वाली कोई बात है नहीं राइट right? चलिए मैं शुरू करता हूं और यहां से हम शुरू करते हैं स्ट्रीमिंग को राइट right? है आप चेक करें देखिए ये आपके पास एक चार्ट है एक चार्ट है जरा हम देखने की कोशिश करते हैं हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बाकी इंडिकेटर्स है ठीक है बाकी देखते हैं इंडिकेटर्स हमारे पास जो भी हैं उनको हम कैसे काम कर सकते हैं एक मिनट देख लीजिए शायद मेरी दूसरी स्क्रीन विजिबल ना हो एक मिनट देख लीजिए जरा यस देखिए आप दिख रहा है क्या आपको यस आप जरा मेरे को देख के बताएं आप जरा मेरे को देख के बताएं क्या आपको अब स्क्रीन दिख रही है निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है आप देखिए जरा शायद दूसरी स्क्रीन यस जरा आप चेक करें अब निफ्टी का चार्ट विजिबल है मेरी साउंड विजिबल है अब ओके है यस चार्ट विजिबल चलिए शुरू करते हैं यहीं से शुरू करते हैं मेरी स्क्रीन एक्चुअली तीन स्क्रीन लगी हुई है मेरी तो उसकी वजह से शायद आपको दिखाई दे रहा है कोई इशू नहीं है चलिए अब शुरू करते हैं शुरू करते हैं मैंने स्ट्रीमिंग डाल दी है रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने आप देखिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है अब शुरू करते हैं चलिए है। पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन जब हम अपने इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो हम कैसे उनका यूज करना चाहिए जरा इसको देखते जाते हैं ठीक है जो भी आपके क्वेश्चन हो जो भी आपके क्वेश्चन हो सॉरी फॉर द डिले ये जो डिले हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ अपनी तरफ से क्योंकि स्क्रीन विजिबल कभी कभी नहीं भी होती नेटवर्क इशू हो जाता है सब कुछ हो सकता है तो मेरी दो स्क्रीन लगी हुई थी मैं दूसरी पर ट्राई कर रहा था और मेरा जो आउटपुट था वो दूसरी पर था राइट यस वो था नाव ओके चलिए शुरू करते हैं अब वेबिनार को शुरू करते हैं एक छोटा सा वेबिनार है हम दस मिनट लेट हैं अब मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा और वो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं क्या आपको कोई एक्यूरेसी दे सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं एमएसईडी यूज करता हूं मैं आर एस आई यूज करता हूं मैं बॉलिंगर बैंड यूज करता हूं या फिर मैं वॉर्टेक्स यूज करता हूं या फिर मैं आप बोलते हैं वी वैप यूज करता हूं कोई भी ए टू जेड इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं आप बोलते हैं कितनी एक्यूरेसी है कितनी एक्यूरेसी है मार्केट में कि आपको वहां पर कोई बाय या सेल मिलेगा ठीक है हम इस पॉइंट को जरा चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आपका इनके अगेंस्ट में इन सब इंडिकेटर के अगेंस्ट में आपका ईशी क्लाउड ठीक है ईसी जो आपका क्लाउड है क्या यह आपको हेल्प कर सकता है बाइंग या सेलिंग में बस एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा यह है। ठीक है स्टॉक्स भी मैं आपके देख दूंगा आप जो बोलेंगे उन स्टॉक पे मैं काम करूंगा मेरे स्टॉक कभी भी नहीं होते मैं कभी कोई स्टॉक रखता नहीं हूं कोई भी स्टॉक रखता नहीं हूं सब आपके स्टॉक होंगे और एनालिसिस भी आपके स्टॉक पे होगा मैंने एक भी स्टॉक ढूंढ के नहीं रखा है राइट right? है पहला चेक करते हैं नंबर एक चलिए स्टॉक आपका ओपन करते हैं आपके हिसाब से मैं ओपन करता हूं मैं अपना स्टॉक कोई नहीं रखूंगा सारे आपके स्टॉक के आ, पे काम करेंगे पहला एक कोई स्टॉक बोलिए एक स्टॉक बोलिए उस पर हम अपना क्लाउड पे काम करना शुरू करेंगे राइट right? चलिए कोई भी बोले एक स्टॉक कोई भी बोल दें जिससे उसके ऊपर मैं काम करना शुरू करूं कोई भी बोल दें एक जो भी पहले आएगा उस पर हम काम शुरू कर देंगे यस yes, जल्दी से बोलिए जी एन एफ सी चलिए जी एन एफ सी शुरू करते हैं ये मैंने लगाए यहां पर जी एन एफ सी राइट जी एन एफ सी मैंने लगा लिया आप जरा पॉइंट को समझना छोटा सा पॉइंट समझना मैं आपको जो रिलायंस भी रिलायंस भी ले लेता हूँ एयरटेल भी ले, ले लेता हूँ चलिए अब जी एन एफ सी लगाया तो हम जरा, जरा जी एन एफ सी पर बात करते हैं राइट जरा पॉइंट का पॉइंट नंबर समझते हैं हमारा एक प्राइस सेक्शन क्या होता है जरा इस पॉइंट को समझ लें एक बार कि प्राइस एक्शन हमारा क्या होता है मार्केट कैसे ऊपर मूव करता है जरा देखते हैं इसको ठीक है मार्केट जब ऐसे नीचे गिरा होता है एक बार जरा पॉइंट को समझ लें देखो मार्केट जब ऐसे नीचे गिरा होता है ऐसे बुरी तरह गिरता है मार्केट तो जब नीचे आता है तो मार्केट अपना एक प्राइस सेक्शन बनाता है आराम से चेक करते रहिए मार्केट अपना एक प्राइस एक्शन बनाता है इस पूरे प्रोसेस में मैं दोबारा अच्छा सा बना देता हूं इसको इस पूरे प्रोसेस में देखिए गड़बड़ क्या हुई आप समझेंगे गड़बड़ तो सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा ध्यान से चेक कीजिए ये आपका एक डाउन आ रहा है और बड़ा बना देता हूं मैं और आपके लिए बड़ा बना देता हूं ये यह अब जरा इस पूरे प्रोसेस में आप डाउन समझिए क्या गड़बड़ हुई है गड़बड़ यस बैंक भी ले लेता हूं कोई इशू नहीं है इसमें गड़बड़ समझिए पॉइंट समझिए मार्केट देखिए पहला हाई मार्केट ने यह बनाया था छोटा सा प्राइस सेक्शन आप सबको पता होगा मैं नहीं बोल रहा हूं कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको नहीं पता होगा लेकिन मैं यहां पर आपका क्लाउड लगाऊंगा तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी देखिए ये हाई था यह हाई था मार्केट यहां तक नीचे आया यहां तक नीचे आने के बाद ऊपर गया मार्केट को कहां पर जाना चाहिए था इसके ऊपर पॉइंट समझना मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए था मार्केट नहीं गया और मार्केट अपना लो ब्रेक करता हुआ लो ब्रेक करके नीचे आ गया फिर मार्केट नीचे आया मार्केट को किसके ऊपर जाना चाहिए था यस yes, कम से कम इस वाले हाई के देखो ये पहला हाई है ये दूसरा हाई है मार्केट जब नीचे आया तो मार्केट जब ऊपर चला इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए था राइट right? उसके बाद मार्केट वहां पर भी नहीं गया मार्केट यहां से भी नीचे गिर गया तो अब मेरा हाई कौन सा हो गया ये वाला फिर मार्केट नीचे आया मेरा हाई बन गया ये वाला मेरा हाई ये बन गया मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है मार्केट का जो कि लो की तरफ बढ़ता जा रहा है ठीक है एक सीक्वेंस चल रहा है मार्केट का जो लो की तरफ बढ़ता जा रहा है अब आपको क्या चेक करना है मेरे को यहां पर एक प्राइस एक्शन चाहिए वो प्राइस एक्शन कैसा होगा जरा उस पॉइंट को समझे मार्केट यहां से ऊपर चलेगा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं मार्केट यहां से ऊपर चला और मार्केट 50 या 61 परसेंट पे आ गया इधर 50 और 61 मेरे को प्लीज एक छोटा सा पॉइंट बताएं क्या मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा कोई कंफर्मेशन है क्या येस और नो प्लीज बताएं मेरे को अगर मार्केट यहां से चलता है 50 परसेंट पे पहुंच गया तो ऊपर या नीचे जाने का कोई कंफर्मेशन है आपके पास कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा नहीं है कोई भी कंफर्मेशन जरा समझे अब, अब प्राइस एक्शन क्या होता है प्राइस एक्शन को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं फिर से बनाते हैं इसको और देखिए मार्केट ऐसे आ गया अब मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्लीज समझे और इस प्राइस एक्शन के साथ में आपको क्लाउड को लगा के दिखाऊंगा ये देखो मार्केट यहां से ऊपर चला पिछली बार भी जरा पॉइंट को नोट करो पिछली बार मार्केट जब नीचे आया था तो देखो अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी तक जाके गिर गया फिर से मार्केट अप्रोक्सीमेटली ऊपर गया फिर नीचे गिर गया अब की बार भी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहां से 50 परसेंट से गिर सकता है और आपको यह पता है यह रेजिस्टेंस का काम करेगा यह हाई भी रेजिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट 50 परसेंट से गिर सकता है तो अब आपका प्राइस एक्शन क्या बोलता है जरा प्लीज मेरे प्राइस एक्शन को समझ लें मेरे को नहीं पता कि बाकी लोग क्या कर रहे होंगे मैं अपना प्राइस एक्शन समझा रहा हूं राइट है मार्केट 50 परसेंट ऊपर जाएगा ये आपकी फर्स्ट वेव है फर्स्ट वेव इसको आप क्या करेंगे छोड़ दें राइट right? इसको आप छोड़ दें प्लीज चेक करें जो आपका फर्स्ट वेव ऊपर जा रही है इसको मेरे को छोड़ देना है इसको आप यूज मत करें राइट right? फिर मार्केट आएगा नीचे मार्केट नीचे आएगा 50 परसेंट से मार्केट को आ जाने दे मार्केट को नीचे आ जाने दे मार्केट इस वाली रैली का इस वाली रैली के 50 परसेंट पर आएगा यहां पर वेट करें समझिए आप यहां पर वेट करें इस जगह पर या तो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा जाने दीजिए आपको इसको भी नहीं छेड़ना आपको फर्स्ट नंबर को भी नहीं छेड़ना आपको सेकंड नंबर को भी नहीं छेड़ना यह आपके छेड़ने की जगह नहीं है बिल्कुल भी अब आपको क्या वेट करना है अब आपको वेट करना है या तो मार्केट गिर जाएगा गिर जाने दीजिए आपके काम का नहीं है लेकिन अगर मार्केट ऊपर चलेगा अब की बार तो मार्केट इस वाली पोजीशन पर आपको बाय देगा येस और नो पॉइंट समझे मेरा प्राइस एक्शन है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर यूज कर सकते हैं सेम केस अगर मैं ऊपर से बात करता हूं जरा ऐसे भी इसको ऐसे ना मान के दूसरे तरीके से भी मैं चेक कर सक, करा सकता हूं आप जरा पॉइंट को नोट करें मार्केट जा रहा है ऊपर मार्केट जा रहा है ऊपर ध्यान से चेक करते जाइए फिर मैं आपको क्लाउड के अंदर ले जाऊंगा मार्केट चल रहा है ऊपर ऐसे ऊपर मार्केट मार्केट का लास्ट वाला लो कौन सा है देखिए फर्स्ट लो सेकेंड लो थर्ड लो फोर्थ लो फिफ्थ लो आखिरी वाला जो लो है आखिरी वाला जो लो है उसके नीचे आप अपनी लाइन डाल दें प्लीज़ ये एक छोटा सा पॉइंट एक एक्सपेरिमेंट करके देखें ज़रा ये लास्ट वाला जो लो आपको दिख रहा है इसके नीचे अपनी एक हॉरिजेंटल लाइन डाल दें मैं सब जगह दिखा दूंगा आपको कहीं कि किसी भी पॉइंट पर बोलेंगे मैं आपको उस पॉइंट पर इस चीज़ को विजुअली दिखाऊंगा राइट मार्केट यहाँ से डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है एक कैंडल डारे डायरेक्ट नीचे या फिर मार्केट दूसरा काम क्या कर सकता है यहाँ से मार्केट ऐसे ना आके मार्केट एक डाउन धीरे धीरे एन वे बनाता हुआ आएगा एन वे बनाता हुआ दोनों केस में चाहे मार्केट एन वेव बनाता हुआ ठीक है मार्केट चाहे एनवे बनाता हुआ चाहे मार्केट डायरेक्ट आ जाए सेल कहां पर होगा इसी पॉइंट के नीचे सेल है कि नहीं है बताए नो yes no? पॉइंट समझे ये मार्केट यहां पर सेल लेगा फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको पॉइंट समझाता हूं एक छोटा सा पॉइंट समझना कोई और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ देखता हूं अगर इसी का एग्जाम्पल मिल जाएगा तो मैं इसी के एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं राइट right. जरा पॉइंट को समझना ये देखिए ये मैं मंथ का दिखा रहा हूं पॉइंट समझना छोटा सा पॉइंट समझना आपके काम का है और बहुत काम का है और पूरा प्राइस सेक्शन है मैं किसी भी स्टॉक आपका ही स्टॉक है जीएनएफसी मेरा खोला हुआ स्टॉक नहीं है समझिए मेरा खोला हुआ स्टॉक नहीं है आपका खोला हुआ स्टॉक है पहले इसको जरा बात कर लेते हैं ये देखिए मार्केट जब वापस आएगा मार्केट वापस आएगा इस वाली रैली को आप नहीं छेड़ेंगे ये आपका फर्स्ट वेव है इसको नहीं छेड़ना ये जो सेकंड वेव है सेकंड वेव को भी नहीं छेड़ना अब थर्ड वेव मेरी शुरू होगी उससे मेरा सारा बाइंग सेलिंग शुरू हो जाएगी पॉइंट मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं प्लीज समझ लें इसको आपके काम का रहेगा राइट ये देखिए मैं यहां से फिबोनैकी लगा रहा हूं और फिबोनैकी के लेवल्स में आपको यहां पर लगा के दिखाऊंगा आराम से और इसको हम जब नेक्स्ट वाला वेबिनार करेंगे उसमें हम इसको देखेंगे भी और समझेंगे भी ये देखिए मैं आपको इस जी में ही मंथ का फीमोने लगा के दिखा रहा हूँ चेक कीजिए ये टॉप है मैं विक लेता हूं यहां से टॉप से मैंने लिया बॉटम ध्यान से चेक कीजिए एक कोई शायद इसमें लेवल एक्स्ट्रा लगा हुआ है मैं इसको हटा देता हूँ कोई एक लेवल रह गया है ये माइनस थर्टी एट रह गया राइट इस पॉइंट से मैंने यहां से फिबोनेकी लगाई और नीचे तक पॉइंट को नोट करना प्लीज ये देखिए मार्केट कौन से लेवल से वापस आ रहा है प्लीज बताएं आपको वहां से स्क्रीन विजिबल होगी कौन से लेवल से मार्केट वापस आ रहा है क्या 61 लेवल है येस और नो 61 लेवल से मार्केट वापस आ रहा है फिबोनेकी के एग्जैक्टली exactly. और मंथ में आ रहा है मंथ में आ रहा है अब यहां से पॉइंट चेक करें 61 लेवल डॉट ये आपको सब जगह मिल जाएगा गोल्डन लेवल जिसको बोलते हैं सब जगह मिलेगा अब देखो यहां से मार्केट को आपको क्या करना है अब जरा हम पॉइंट को नोट करते हैं यहां से आपको पता लग गया मंथ के अंदर जो मार्केट है वो आपका सिक्सटी वन से रिट्रेस कर रहा है अब आप चलें छोटे टाइम फ्रेम पर अब चेक करें अब मैं चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर और सपोज डे पर आप जरा आराम से ऊपर चले जाएं और अपने लेवल जरा चेक करें क्या आपको सिक्सटी वन से एक डाउन देखने को मिल रहा है यस और नो मिल रहा है डे के अंदर डे के अंदर प्लीज चेक करें यह छोटा सा आपका एक तरीका है इस पर भी आप काम कर सकते हैं यह देखिए यह मेरा सेल और यह मेरा एस एल सेल और स्टेपलेस स्टॉपलॉस दोनों आप यहां पर यूज कर सकते हैं आराम से यूज कर सकते हैं ये सेल और ये स्टॉप लॉस आराम से आप इसे चलने दें यह आपका टारगेट बनेगा यह एक सिंपल तरीका हो सकता है जिस पर आप आराम से काम कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर अपने पॉइंट पर जब हम फिबोनेकी यूज करते हैं फिबोनेकी यूज करते हैं तो फिबोनेकी के साथ में क्या हम क्लाउड को यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलता हूं छोटा सा पॉइंट नोट करना कि अगर मैं यहां से आपको बोलता हूं कि नहीं आप तो आर यूज करो आर एस आई यूज़ करो ये मैंने आर एस आई लगाई और आर एस आई फॉर एग्जाम्पल मैं फिफ्टी फिफ्टी लगा लेता हूँ पॉइंट को समझना छोटा सा आर एस आई फिफ्टी फिफ्टी मैंने लगाई और आर एस आई ग्रीन कर दिया नीचे मैंने रेड कर दिया अब मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूँ ठीक है छोटा सा पॉइंट और आप मेरे को प्लीज़ क्लियर करिए आपने अगर जो भी आर एस आई में काम करते होंगे उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी ठीक है जब मार्केट अपने आर को 50 अबव क्रॉस करता है मैंने 50 50 की सेटिंग लगाई आप 60 40 भी लगा सकते थे मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट जब आरएसआई को ऊपर क्रॉस करता है तो आप बाय लेते हैं एमए जब क्रॉस करता है तो आप बाय लेते हैं मेरा एक छोटा सा पॉइंट है आर जब ऊपर जाता है तो क्या आर वापस भी आ जाता है येस और नो प्लीज एक छोटा सा पॉइंट मेरे को क्लियर करें कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो मार्केट अगर जरा सा यहां से नीचे गिरेगा तो क्या आर एस आई नीचे आ जाएगा वापस हा या ना प्लीज बताएं मेरे को नीचे आएगा नीचे आएगा आप जरा पॉइंट समझे मैं आपको क्यों ईशी मोकू क्लाउड की तरफ को इंसिस्ट कर रहा हूं क्यों मैं RSI और एमएससीडी को आपको मना कर रहा हूं जरा उस पॉइंट को नोट करें मैं क्या रीजन से बोल रहा हूं देखो आर आपको बाय बोल रहा है बिल्कुल सही है लेकिन मार्केट में अगर आर नीचे आ जाएगा तो सॉरी ये आपका कैंडल नीचे आएगी तो आर भी नीचे आ जाएगा इससे क्या होगा आपकी कंसिस्टेंसी आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है यहां से इसका मतलब एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है ये राइट दूसरा पॉइंट अगर मैं इसी की जगह पर यह बोलता हूं कि अगर मेरे पास जितने भी इंडिकेटर हैं इंडिकेटर हैं अगर वो अपनी क्रॉसिंग के बाद वापस आ जाते हैं तो वो इंडिकेटर मेरे काम के नहीं है मैं कोई आर यूज़ नहीं करता मैं कोई आई एम यूज़ नहीं करता मैं कोई भी आपका इवन uh, वॉल्यूम भी यूज नहीं करता मैं केवल फीबोने की और क्लाउड पर काम करता हूं केवल फीबोने की और क्लाउड पर और मैं आपको दिखा भी दूंगा कितना अच्छा उसमें काम हो सकता है इसका मतलब आर मेरे काम की नहीं है और अगर आप आर को यूज करना चाहते हो तो क्लाउड के कंडीशन में यूज़ कर सकते हो चलिए एक छोटा सा पॉइंट अभी नोट करते हैं यहां पर अगर मैं यहां पर बोलता हूं मार्केट के अंदर ये मैंने आर एस आई हटा दी चलिए अब मैं बोलता हूं ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कि वापस नहीं जाता वापस नहीं जाता ऐसा इंडिकेटर ढूंढते हैं तो ऐसा इंडिकेटर आपको क्लाउड मिल जाएगा क्लाउड ऐसा इंडिकेटर हो सकता है चलिए क्लाउड को लगा के देखते हैं क्लाउड को लगा के देखते हैं आपको क्या मार्केट में क्लाउड आपको बोल सकता है जरा पॉइंट को चेक करें राइट ये आपका क्लाउड है और मैं यहाँ पर से थोड़ी लाइंस कम कर लेता हूँ इसकी मैं इसके चीका पेन को हटा रहा हूँ राइट लोग बोलते हैं मेरी अपनी मास्टरी है इसमें आ, ठीक है मैंने पिछले छः साल ईशी क्लाउड को दिए हैं और मैंने इसमें काम भी बहुत किया है ठीक है आप लोगों ने भी देखा है मेरा ये चैनल भी देखा है मेरे वीडियोज़ भी देखें आप जरा एक पॉइंट छोटा सा नोट करें यहाँ पर चूँकि आप लोगों ने जिसने क्लाउड किया होगा वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा जिसने क्लाउड नहीं किया होगा वो थोड़ा बहुत समझ पाएगा ठीक है जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो ये कौन से नंबर की सेल मेरे को यहाँ पर मिल रही है प्लीज़ बताएं यस कौन से नंबर की सेल है कोई भी प्लीज़ बता दें कि ये कौन से नंबर की सेल यहाँ पर बन रही है जिसने भी या तो मेरे साथ क्लाउड करे हैं या मेरी वीडियो देखी है वो बताएं कौन से नंबर की सेल है यस फर्स्ट नंबर की सेल नो चार नंबर की सेल ये चार नंबर की सेल है यस yes. ये फोर नंबर की सेल है ये सब मेरी अपनी डिफाइन करी हुई है ये फोर नंबर की सेल है अब जरा पॉइंट समझे मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूं जिससे आप आराम से उसमें काम कर सके ठीक है ये देखिए जब मार्केट क्रॉसओवर करके आपको नहीं पता था कि मार्केट कब सेल लेगा अब देखिए मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं वो आपके काम का होने वाला है यस yes, बिल्कुल चार नंबर की सेल है वो ऐसे ही चार नंबर की बाय भी आती है मैं नीचे से बता देता हूं आपको यहां से चार नंबर की बाय मिलेगी जब क्रॉस होगा तो आप लोगों ने वीडियो देखी है तो ये आपका फोर नंबर की बाय और ऊपर फोर नंबर की सेल अब जरा यहां पर दोनों पॉइंट पर आप प्राइस एक्शन को साथ में ले लें फिर मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूं ठीक है यस अब जरा देखते हैं इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को प्राइस एक्शन इसमें साथ में चाहिए अब जरा प्राइस एक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं जरा देखें आपको ईसी मोकू क्लाउड कैसे कंफर्म करेगा एक, एक दूसरी स्किन भी लगा सकता हूं मैं पर मैं आपको ईसी मोकू क्लाउड के साथ में इसको बता रहा हूं अब देखिए मार्केट के अंदर एनवे वे की बनी मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं आपको दिखेगा मार्केट के अंदर देखो एनवेव आपकी ये बनी मार्केट आखिरी एनवेव ये लेके ऊपर गया आखिरी में चेक करें एक मिनट मैं इसका कनेक्शन लगा देता हूं शायद कनेक्शन निकला हुआ है हाँ जी तो आखिरी मार्केट ने एनवेव कौन सी लिया बताएं यस yes, आखिरी वेव कौन सी है यही एक नंबर वाली है मैंने आपको अभी अभी क्या बोला था मैंने आपको यह बोला था जो लास्ट वाली एन वेव है इसके नीचे मार्किंग कर दें इसके नीचे मार्किंग कर दें चलिए मैं इसके नीचे एक मार्क कर देता हूं ठीक है स्टॉक आपका है स्टॉक भी मेरा नहीं है सारे स्टॉक में आपके ही पकड़ूंगा जो भी स्टॉक होंगे और उन पर एनालिसिस करेंगे यह मेरा लो है चाहे तो आप इसकी विक पे भी लगा सकते हैं चाहे बॉडी पे लगा दें आप जरा समझे यहां पर आपको क्या दोनों प्राइस एक्शन मिल रहे हैं मेरे को पहला प्राइस एक्शन मार्केट ने जो भी अपना ये लो बनाया था लास्ट मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है नंबर एक दूसरा मार्केट में चार नंबर की सेल आ रखी है दोनों चीजें अगर आप क्लब कर देंगे तो इस पॉइंट से यहां से आप पूरी बड़ी सेल उठा सकते हैं और कंफर्म करके उठा सकते हैं कि हां यहां पर आपको सेल मिलेगी पॉइंट समझे देखिए प्लीज एक, एक बात एक बात प्लीज समझ लें एक बात प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये क्लास मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे को आपको अपना कोर्स बताना है कोर्स बेचना है मेरे कोर्स के अंदर केवल दस लोग एंटर करते हैं जो लोग भी जानते हैं जिन लोगों ने मेरा कोर्स किया है मैं पूरी भीड़ नहीं बढ़ाता मेरे को नहीं चाहिए सौ लोग मेरे को नहीं चाहिए हज़ार लोग मेरे को दस ही लोग चाहिए दस लोगों को मैं क्रीम बनाता हूँ दस लोगों को क्रीम बनाता हूँ दस लोग अपने एनालिसिस करते हैं मेरे साथ और वो अच्छे बहुत अच्छे ट्रेडर बनते हैं मेरे को नहीं चाहिए पैसा मेरे पास अपना पड़ा हुआ है मेरे को केवल यह चाहिए कि आप लोग अगर सीखते हैं तो मेरी वीडियोस आपके काम में आ जाए बस बाकी कुछ नहीं चाहिए ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं देखो इसका मतलब क्लाउड अब पॉइंट यह आता है कि क्या क्लाउड आपको हेल्प कर सकता है अब दूसरा पॉइंट आपके ऐसी मैं बाय भी कर सकता हूं आप देखिए मैं आपको बाय का सीन दिखाता हूं यहां पर ही क्या मार्केट आपको बाय के लिए आ, वेट करा सकता है देखते हैं और भी कोई पॉइंट ले लेता हूं यही पॉइंट है देखते हैं जरा यहां पर आप जरा मेरे को एक बार बताएं अगर मार्केट सपोज नीचे गिर रहा है पॉइंट को नोट करते रहना ये देखो मार्केट नीचे गिर रहा है और मार्केट ये डाउन में आया मार्केट ने ये देखो ऊपर गया अगर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब मार्केट डाउन में आ रहा है ये फर्स्ट वेव है इसकी ये फर्स्ट वेव है ये आपको क्या करना है यस yes, प्लीज बताएं इस वाली वेव का क्या करना है छोड़ देना है यस स ऑनो हा ना प्लीज बताएं क्या मैंने यही बोला कि इस वेव को आपको छोड़ देना है प्लीज बताएं इग्नोर करना है इसको इग्नोर करना सीखें समझे अगर आप जितना चीजों को छोड़ना सीखेंगे उतनी चीजें वापस आएंगी आपके पास आप देखो आपने फर्स्ट वाली वेव को छोड़ दिया मैंने बोला सेकंड वाली को ऑब्जर्व करो सेकेंड वाली को ऑब्जर्व करो फर्स्ट वाली को छोड़ दो सेकेंड वाली को ऑब्जर्व करो अगर आप यहां से फीबोनेकी लगाते हो मैं आपको लगा के दिखाता हूं आप अगर यहां से फीबोने की को लगा देंगे आपका कौन सा वाला लेवल मिलेगा प्लीज बताएं यस कौन सा वाला लेवल मिलना चाहिए प्लीज बताएं ये देखिए आपका अगर मैं यहां से लगाता हूं और यहां तक लगाता हूं लेवल बताएं प्लीज लेवल कौन सा है इसका आपका ही स्टॉक है मैं अपने स्टॉक नहीं लूंगा यहां पर एक भी नहीं लूंगा कौन सा लेवल सिक्सटी करेक्ट लेवल बिल्कुल देखो मार्केट को आपको इस फर्स्ट वाली वेव को नहीं छेड़ना है सेकंड वाली वेव को ऑब्जर्व करना है छेड़ना नहीं है इसे ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व में क्या करना है आपको यह देखना है कि क्या मार्केट यहां पर रुकता है या नीचे गिर जाता है नीचे गिर गया तो आपके किसी काम का नहीं है अगर यहां से उठेगा तो यहां से आपकी बाय नहीं है एग्रेसिव बाय आप ले सकते हो लेकिन बाय नहीं है यहां से कोई बाय नहीं है आपकी बाय शुरू होगी इसके ऊपर यहां पर यहां यह बाय है आपकी और ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा सही करेंगे तो वीक के ऊपर भी आप ले सकते हैं यह विक है जब भी मार्केट अपनी वीक के ऊपर जाएगा तो आपको बाय देगा क्या यहां पर चार नंबर की बाय मिल रही है मेरे को हाई है ना यस हाई के ऊपर बाय करें आप क्या वहां पर आपको चार नंबर की बाय मिल रही है बिल्कुल मिल रही है ना चलिए अब थोड़ा सा प्रिसाइज चलते हैं अब थोड़ा सा हम इसी मौकू पर प्रिसाइज चलते हैं अंदर घुसते हैं थोड़ा सा आप लोगों को हल्का हल्का समझ आ रहा होगा आप उसमें काम भी कर सकते हैं ठीक है अब मैं यहां से आपको पॉइंट नोट कराता हूँ एक छोटा सा पॉइंट यहां से और एक दो मूविंग एवरेज के साथ भी मैं काम करना बता दूंगा आपको आपके काम में रहेगा ठीक है यहां से इस ये जो वेबिनार हो है, इससे मेरी कोई मंशा नहीं है कि कोई लोग मेरे पास आने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए आने वाले हैं कोर्स करने वाले हैं बस मेरी एक ही मंशा है कि आप लोगों का अगर लॉस हो रहा है तो वो कम हो राइट आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाएं और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इन चीज़ों को आप अप्लाई करके कुछ ट्रेड कर ले सकें अच्छे जिससे आपको प्रॉफिट हो सके केवल यही मेरा मकसद है अब जरा इस पॉइंट को नोट करते हैं आगे अब मैं आपसे बोलता हूँ कुछ फीवो ने सॉरी ईशी मुकू के कुछ प्रिसाइज पॉइंट कि कब आपको बाय करना है अब जरा मैं यहाँ पर आपको कुछ फिगर बना रहा हूँ उन फिगर के साथ में आपको काम करना है ये देखिए आपका मंथ ले लेते हैं मैं डे ले लेता हूं और वन आवर ले लेता हूं पॉइंट को नोट करना ये तीन में आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं जो कि इशिमो को क्लाउड के ऊपर काम करते हैं और मैं इसके ऊपर आपको अभी ट्रेड दिखाऊंगा अभी कब कब आपको मिला होगा कब कब मिला होगा अब जरा पॉइंट नोट करें मार्केट में आपको समझा देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं मार्केट रेड क्लाउड के नीचे चल रहा है और आपकी कन्वर्जन लाइन आपका सॉरी बेस लाइन ये जा रही है और आपकी कन्वर्जन लाइन ऐसे नीचे जा रही है ये नीचे ठीक है ये कंडीशन ये आप समझिएगा बड़े टाइम फ्रेम पे अब मैं आपसे बोलता हूं कि जब मार्केट पॉइंट को नोट कर लेना प्लीज ये मैं आपको किसी भी स्टॉक के अंदर दिखा दूंगा मंथ के अंदर मंथ के अंदर जब मार्केट ठीक है जब मार्केट अपनी कन्वर्जल लाइन के ऊपर चलेगा क्लाउड के नीचे रेड क्लाउड के नीचे बेस लाइन के नीचे कन्वर्जल लाइन के नीचे मार्केट यहां पर घूम रहा है नीचे घूम रहा है जिस दिन भी मार्केट कन्वर्जल लाइन के ऊपर चलता है तो आपका क्या चेंज डे में होगा क्या चेंज डे में होगा जिससे आपको बाय मिलेगा प्लीज चेक करना यह मैं आपको दिखाता हूं क्या होने वाला है यह मार्केट में दोबारा से क्लाउड है ये मार्केट में दोबारा से कन्वर्जन लाइन है और दोबारा से यह आपकी बेस सॉरी यह कन्वर्जन लाइन है ऊपर वाली बेस लाइन है जब मार्केट मंथ के अंदर कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलेगा तो डे के अंदर मार्केट इनको क्रॉस करके चार नंबर की बाय बना के यहां पर ऊपर बैठा होगा राइट और एक घंटे में उस टाइम पर क्या होगा पॉइंट को नोट कर लेना ये मैं केवल इसलिए समझा रहा हूं कि आप आराम से उसमें काम कर सके ये देखो ये आपका बेस लाइन है और ये आपकी कन्वर्जल लाइन है एक घंटे के अंदर मार्केट इसको क्रॉस करके और कहां पर बैठा होगा क्लाउड के ऊपर ये पॉइंट क्लियर है चेक कर ले मैं दोबारा एक पॉइंट समझा देता हूं मंथ के अंदर जब मार्केट कन्वर्जल लाइन के ऊपर चलेगा डे के अंदर मार्केट क्रॉसओवर के ऊपर होना चाहिए और एक घंटे में मार्केट क्लाउड के ऊपर होना चाहिए तभी एक आपकी बाय बन सकती है अदरवाइज वो बाय नहीं बन सकती राइट right? अगर मैं इसका ठीक अपोजिट बोलूं तो आपको क्या मिलना चाहिए प्लीज आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर दें अगर एक घंटे में आपको मार्केट क्लाउड के ऊपर मिलता है तो एक दिन में मार्केट कहां पर मिलना चाहिए बताएं? यस yes, प्लीज बताएं कहां पर चार नंबर की बाय के ऊपर ना क्रॉसओवर के ऊपर क्रॉसओवर के बाद और आपको महीने भर में कहां पर मिलना चाहिए कन्वर्जल लाइन के ऊपर अब मैं अगर सेम चीज आपको उल्टा बोलूं प्लीज चेक करिएगा और इसको आप चेक भी करिएगा आपको बहुत अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि मार्केट फाइव मिनट में मार्केट फाइव मिनट में क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक घंटे में मार्केट को कहां पर होना चाहिए प्लीज बताएं यस कहां पर होना चाहिए एक घंटे में यह आपकी बेस लाइन है और ये नीचे कन्वर्जर लाइन है यस बताएं मार्केट को कहां पर होना चाहिए एक घंटे में यस क्रॉसओवर के ऊपर ना एक घंटे में चार नंबर की क्रॉसओवर के ऊपर होना चाहिए राइट right? और डे के अंदर मार्केट को कहां पर होना चाहिए डे के अंदर मार्केट को क्लाउड के नीचे कन्वर्जल लाइन के ऊपर होना चाहिए कम से कम राइट और रॉन्ग क्लियर है चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं और मैं कोई सा भी स्टॉक अब की बार दूसरा उठाता हूं यस yes, दूसरा कौन सा स्टॉक ले बताएं यस yes, उस पर मैं इसको चेक करूंगा सारे स्टॉक आपके हैं मेरे कोई स्टॉक नहीं है कोई स्टॉक बताएं प्लीज कोई भी बोल दे किसके ऊपर हम अभी एनालिसिस करके देखें यह बताएं किसके ऊपर मैं आपने एनालिसिस करके देखूं वो स्टॉक का नाम बताएं यस जल्दी बोलें जो स्टॉक बोलेंगे बजाज फाइनेंस चलिए बजाज फाइनेंस पे चलते हैं कौन से है? बजाज फिनसअब चलिए बजाज फिनसब पे चलते हैं ठीक है बजाज फिन पे चलते हैं इस पर हम आ, देखने की कोशिश करते हैं चलिए पहले तो इसको देखें पॉइंट नोट करना छोटे छोटे मैं आपको पॉइंट नोट कराता हूँ जरा मैं आपको ऊपर से नीचे चल के चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा जरा पॉइंट को समझना ध्यान से पॉइंट को चेक करें ठीक है ये देखिए आपका डे दे है मैंने डे टाइम फ्रेम में हिंडाल को हिंडाल को भी देख लेता हूँ मैं दो मिनट फिर मैं आपके स्टॉक भी ले लूँगा कोई इशू नहीं है उसमें ठीक है मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं होता स्टॉक सारे के सारे मैं लेता ही हूं मेरा अपना कोई स्टॉक है नहीं तो जो बोलेंगे उस पर मैं एनालिसिस कर दूंगा ठीक है इसको पहले एनालिसिस करते हैं एनालिसिस समझे एनालिसिस समझेंगे तो आप किसी भी स्टॉक पर लगा पाएंगे समझे अगर आप एनालिसिस समझेंगे तो किसी भी स्टॉक पे लगा पाएंगे आप देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये देखो वन डे के अंदर पॉइंट प्लीज समझना पॉइंट समझे काम के रहेंगे वन डे के अंदर जब मार्केट कन्वर्जल लाइन के ऊपर आएगा प्लीज पॉइंट को नोट करें और फिर आंसर करें अगर मैं बोलता हूं वन डे के अंदर जब मार्केट कन्वर्जल लाइन के ऊपर आएगा तो एक घंटे में मार्केट क्या करेगा यस प्लीज बताएं एक घंटे में मार्केट क्या करेगा क्रॉसओवर के ऊपर आएगा ना यस और नो मार्किंग करें मार्किंग करते हैं इसकी चलिए मार्किंग के साथ में शुरू करते हैं अगर वो आपको नहीं मिलता है तो गलत है और अगर मिल जाता है तो राइट है अब देखिए मैंने यहां पर एक क्लिक कर दिया ठीक है ये देखिए मैंने यहां पर क्लिक कर दिया यहां पर आपको क्या देखने को मिला यहां पर आपको पता लगा मार्केट जो है वनडे में कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा रहा है ठीक है अब मैं चलता हूं इसको एक घंटे में एक घंटे में कहां पर मिलना चाहिए प्लीज बता दें मैंने भी लगाया नहीं आपके सामने ही लगाऊंगा मैं एक घंटे में आपको कहां पर मिलना चाहिए प्लीज बताएं यस कहां पर एक घंटे में कहां पर होगा मार्केट जल्दी से बोले क्रॉसओवर के ऊपर अबउ द क्रॉसओवर ओवर लाइन बेस लाइन के अगर आपको मिलेगा तो ही राइट है ठीक है अगर आपको मिलेगा तो ही राइट है अब जरा देखिए मैं इसको लगा के दिखाता हूं आपको और जहां पर मार्केट ये देखिए क्या क्रॉसओवर के ऊपर मिल रहा है मार्केट आपको कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर ये देखो ये रि कन्वर्जन लाइन क्या कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर मिल रहा है मार्केट आपको यस या नो दोनों दो कंडीशन हो सकती है या तो क्रॉसओवर तब हो गया होगा या होने वाला होगा दोनों केस यहां पर चेक करें अगर इस टाइम मैं पांच मिनट में जाके चेक करता हूं तो मार्केट मेरे को कहां पर मिलेगा प्लीज बताएं वो जो पॉइंट है मार्केट मेरे को कहां पर मिलेगा चेक करें जरा ये देखें क्या क्लाउड के ऊपर है यस yes. क्या पांच मिनट में क्लाउड के ऊपर है मार्केट हां ना? चलते हैं, देखते हैं क्या मार्केट क्लाउड के ऊपर है बिल्कुल है अब दो क्लाउड इसका मतलब क्या हुआ अब जरा हम थोड़ा उल्टा करते हैं अब मैं यहां से थोड़ा सा और लेता हूं मैं अब दूसरा कोई स्टॉक ले लेता हूं यहां से अगर मैं स्टॉक ले लेता हूं सपोज आप बोल रहे हैं आर सी एफ चलिए आर सी एफ को देखते हैं आर सी एफ प्लीज इसको चेक करना ये आर सी एफ में ले रहा हूं दूसरा स्टॉक अब जरा यहां से पॉइंट को नोट करना अगर मैं यहां पर पॉइंट समझना मार्केट अगर पांच मिनट में क्लाउड के ऊपर है ये देखिए क्या इस समय इसकी बाय आएगी प्लीज आप बताएं वन डे में कब इसकी बाय सस्टेन करेगी ये बताएं कब बाय सस्टेन करेगी इसकी कोई भी बताए यस yes. जब मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा तभी सस्टेन करेगी ना यस yes और नो no? क्या बोलते हैं क्या इसकी बाय सस्टेन करेगी हाँ या ना बिल्कुल तभी करेगी जब मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आएगा और अभी मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं है अभी मार्केट कन्वर्जर लाइन के नीचे है इसका मतलब मार्केट में बाय नहीं आएगी और देख लेते हैं इतने सारे स्टॉक हैं किसी भी स्टॉक को हम और भी चेक करते हैं हिंडालको चेक कर लेते हैं कोल इंडिया ठीक है एक्सिस बैंक चलिए इन लाइन से चेक करते हैं हिंडालको 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 लेता हूं पहले हिंडालको में क्या बाय आ सकती है बताएं अभी यस नहीं आएगी हिंडालको वैसे भी गिरने वाला है चलिए हिंडालको को बात करते हैं जरा हिंडालको पे दो मिनट पे आपको दिखा देता हूं हिंडालको को, को जरा प्लीज चेक करिए ये देखिए ये हिंडालको है हिंडालको हिंडालको में एक बड़ी बाय एक्सपेक्टेड है जरा इसको चेक करें मैं आपको यहां पर फिबोनेकी लगा के दिखाता हूं जो मैंने आपको फिबोनेकी का कंसेप्ट अभी बताया है उसी फिबोनेकी के कंसेप्ट को मैं यहां पर लगा के दिखाता हूं ये देखिए मैंने यहां से पकड़ा और इसे नीचे तक ले आया कौन से लेवल से वापस कर रहा है मार्केट रिटर्न देखिए इधर फिफ्टी और सिक्सटी इसका मतलब कौन सी वाली है वेव बनने वाली है इसकी डाउन ना हा या ना डाउन वेव बनने वाली है इसकी एक मार्केट डाउन में जाने वाला है एग्जैक्टली फिफ्टी परसेंट से मार्केट नीचे गिरा है और आप चेक करो मार्केट इस समय क्या कोई बाय उठाएगा मार्केट क्या बाय का कोई सीन है नहीं है नहीं कोई भी सीन इसके नीचे एक बड़ा डाउन मार्केट का एक्सपेक्टेड है अभी देखिए एक बड़ा डाउन मार्केट ने अपना लेना है मार्केट का ये एक लेवल था जो कि क्रॉस हो गया तो मार्केट का एक डाउन एक्सपेक्टेड है यहां पर पॉइंट क्लियर है और देखते हैं और कौन सा था दूसरा स्टॉक चलिए एक्सिस बैंक देखते हैं रिलायंस देखते हैं एच देखते हैं एक्सिस बैंक पे चलिए एक्सिस बैंक पे जरा हम देखने की कोशिश करते हैं अब देखिए चलिए एक छोटा सा पॉइंट है एक छोटा सा पॉइंट ये देखिए एक्सिस बैंक प्लीज एक्सिस बैंक को जरा चेक कीजिए अपने लेवल पर भी चेक करना और मैं आपको इस जगह पर एक बाय और सेल बता रहा हूं मार्केट में कब आएगी देखो मार्केट <coughs> वनडे दे के अंदर कन्वर्जल लाइन के ऊपर ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहा है इस टाइम पर एक घंटे में क्या होना चाहिए बताएं। यस एक घंटे में क्या होना चाहिए जल्दी से बताएं यहां पर एक घंटे में क्रॉसओवर आ गया होगा या आने वाला होगा और अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या बोलते हैं अगर बाइचांस नहीं आ रहा होगा क्रॉस तो क्या होगा यह बताएं तब गलत होगा ना पॉइंट चेक करें इस जगह पर अगर मैं यहां पर जाता हूं तो एक घंटे में मेरे को क्या मिलना चाहिए क्रॉस मिलना चाहिए क्या मेरे को क्रॉस मिल रहा है यस yes, प्लीज बताएं क्या मिल रहा है क्रॉस ओवर हा या ना देखें एक क्रॉसओवर मिल रहा है ना इसका मतलब मेरी एक बाय यहां पर जनरेट हो रही है चेक कीजिए आप आराम से बाय को ले सकते थे यह बाय आपको फायदा करेगी पॉइंट समझे और दिखा देता हूं मैं किसी में एच डी एफ सी बैंक चलिए एच डी एफ सी बैंक में आपका अच्छा दूसरा इसी जगह में अगर देखता हूं तो आप अपनी सीएनसी का उठा सकते थे देखिए सीएनसी का बु सकते थे अगर आप सीएनसी लेते तो यहां से देखिए कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए आप बोलते हैं चलो मैं और छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूं वीक ही ले लेता हूं जब मार्केट अपनी कन्वर्जल लाइन के ऊपर गया देखिए यह राय मैं आपको सीएनसी दिखा रहा हूं जब मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला उस टाइम पर आप अपनी सी उठा सकते थे देखो मैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको यहां पर आप अपनी सी उठा सकते थे देखिए यहां पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखता हूं चूंकि मार्केट वीक के अंदर कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो वन डे के अंदर मार्केट को कहां होना चाहिए बताएं यस प्लीज कहां पर होना चाहिए मार्केट को कोई इंडिकेटर नहीं कोई स्ट्रेटजी नहीं कोई अलग से चीज नहीं कोई कुछ भी नहीं ले रहा हूं ना आरएसआई एमएसीडी क्रॉसओवर कुछ नहीं मैं सब बता सकता हूं लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा है अब देखिए जब मार्केट वीक में कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो डे के अंदर इस पॉइंट पर मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए क्या यह ऊपर है यस और नो क्या आपके पास एक बाय मिलती थी बताएं सिंपल मैं क्लाउड पर बात कर रहा हूं कोई आर नहीं कुछ नहीं आप चाहे तो यहां पर आर के ऊपर बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आर एस लगाऊं तो क्या आर आपको हेल्प करेगी मैं दिखा देता हूं दिखाने में कोई इशू नहीं है ये देखिए मैं अगर यहां पर 50 50 लगा दूं दोनों को क्या मेरी आर मेरे को यहां पर हेल्प करेगी बिल्कुल करेगी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर ये देखिए अगर मैं इसको यहां पर लगा देता हूं क्या मार्केट ने मेरे को हेल्प किया ये और नो आर आपको कहां पर बाय दे रही समझे आरएसआई आपको देखो यहां पर बाय दे रही है समझे ये पॉइंट यह डे वाला देखो इसके ऊपर मार्केट में बोल रहा है इससे नीचे देखो यहां पर भी गया ऊपर इधर भी गया यहां पर आरएसआई आपको मना कर रही है आरएसआई आपको यहां पर बोल रही है कि आप कन्वर्जल लाइन के ऊपर बाय कर सकते हो इसका मतलब आरएसआई अगर आपको कन्वर्जल लाइन के ऊपर बाय देती है तो आपका छोटे टाइम फ्रेम में बाय आ जाएगी ना पॉइंट समझना है खाली पॉइंट समझना है आप आराम से उसके साथ काम कर सकते हो देखो मार्केट में अब जरा पॉइंट को समझते हैं छोटा सा पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा हूं अब देखिए मैं आपको छोटे लेवल तक लेकर चलता हूं जरा छोटे से लेवल तक अब यहां से पॉइंट को चेक करते हैं मार्केट जब कन्वर्जल लाइन के ऊपर आए पॉइंट नोट करते जाना काम के रहेंगे वीक के अंदर वीक के अंदर मार्केट जब कन्वर्जल लाइन के ऊपर गया डे तो के अंदर मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के क्रॉसओवर के ऊपर निकल गया चेक करें मार्किंग करें उस समय क्या हुआ होगा मार्केट देखो इस पॉइंट पर कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो मार्केट डे के अंदर कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर निकल गया होगा पीछे से चेक करें कहां पर मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर निकलेगा राइट देखो यहां पर बाय नहीं आई थी अब ये भी पॉइंट समझ ले देखो मार्केट कन्वर्जल लाइन के ऊपर जा रहा है वहां पर पॉइंट नोट करना छोटा सा पॉइंट एक और समझा देता हूं यहां पर काम में आएगा दोनों को जरा चेक करो जब मैं वीक में देख रहा हूं तो वीक में मेरे को क्या दिखाई दिया देखिए <coughs> वीक में जरा चेक करें जो अभी अभी हमने चेक किया कहां पर है वो ये राय इस पॉइंट को चेक करें देखो आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाता हूं काम का है आपके आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो देखो मार्केट में ये देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया यहां से मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया मगर वन डे में क्या होना चाहिए था बताएं वन डे में मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए था ना अगर मेरे को नहीं मिलेगा अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो मेरी बाय नहीं होगी आप चेक करें वहां पर जाके क्या मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर है बताएं यहां पर प्लीज बताएं क्या मार्केट कन्वर्जन बेसलाइन दोनों के ऊपर है यहां पर नहीं है ना इसका मतलब मेरी बाय नहीं बनेगी यहां पर थोड़ा सा मेरे को वेट करना पड़ेगा और राइट और देख लेते हैं चलिए और दिखा और दिखाता हूं अडानी इंट की बात करते हैं अडानी इंट देखते हैं यस बैंक को अगर आपको एवरेज करना है दस के आसपास करिएगा वो आपको एक अच्छा बाय दे सकता है थोड़ा तभी करिएगा अभी थोड़ा रुक जाए जिसने लिया हुआ भी है तो उसको रुके रखें थोड़ा सा काम आएगी अब देखिए यहां पर अगर मैं अडानी इंट की बात करता हूं अडानी ईंट में अभी बाय नहीं है मार्केट कन्वर्सल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरी बाय नहीं है प्लीज मेरी बाय कम से कम इसके ऊपर बनेगी और इसमें भी एक कंडीशन है देखो ये आपका दूर है थोड़ा सा पास होगी तो ही मेरी एक अच्छी बाय बनेगी तो अडानी इंट को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें वो आपको नुकसान करेगा राइट पॉली कैब देख लेते हैं चलिए पॉली कैप को देखते हैं पॉली <coughs> कैप बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग काम करने के अब जरा इसको देखिए मैं आपको एक पांच मिनट में भी बाय दिखा रहा हूं मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी बाय दिखाता हूं ये देखिए यहीं से शुरू करते हैं चलो यही वाला बाय मैं लेने की कोशिश करता हूं ये देखिए मार्केट जब वनडे के अंदर कन्वर्जर लाइन के ऊपर गया वनडे के अंदर कन्वर्जल लाइन के ऊपर गया तो आपकी बाय बड़ी शुरू हो जाती है बड़ी अब कब होती है बाय जरा इसको देखें एक घंटे में अगर मैं उस पॉइंट को जज करता हूं जहां पर मैंने लगाया तो मार्केट कहां पर होना चाहिए था कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ये देखो मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर है यहां पर राइट है आप बाय कर सकते हैं आपको बाय करने में कोई इशू नहीं है और मार्केट अगर कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर है तो पांच मिनट में बाय कहां होगा पांच मिनट में क्लाउड के ऊपर होगा आप जाके देखिए आप जाके देखिए मार्केट क्लाउड के ऊपर मिलेगा आपको जहां पर जहां पर भी है आप प्लीज उसको चेक करिए ये देखिए अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप आराम से बाय उठा सकते हैं पॉइंट समझिए मैं नहीं बता रहा हूं कि कितने कितने सारे आपको बाय करने कहां से और देख और देख लेते हैं चलिए आईसीआईसीआई बैंक को चलिए चेक करते आईसीआईसीआई आई बैंक आपको पहले से पता है किस में बाय आएगी ये देखो पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट में क्या बाय उठा सकते हैं मेरे को बताएं यस yes. क्या पांच मिनट में आप बाय उठा सकते हैं नहीं उठा सकते आप एनालिसिस भी नहीं कर सकते चलिए मैं आप इसका एनलिसिस बड़े टाइम फ्रेम में शुरू करता हूं दीपक नाइट्रेट भी देख लेता हूं ठीक है दीपक नाइट्रेट भी देख लेता हूं एक मिनट रुकिए ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट जो है कब आपको बहुत बड़ी बाय देगा जब मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर गया होगा बहुत बड़ी बाय मिली होगी राइट अब मार्केट में इस समय अगर मैं यहां पर चेक करता हूं थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं जिससे आप आराम से चेक कर पाए ये जो आपको आईसीआईसीआई बैंक है क्या दिखा रहा है इस समय देखें <coughs> क्या दिखाई दे दिखाई दे रहा है मार्केट ने पॉइंट नोट करना एक छोटा सा पॉइंट है मैं केवल नोट करा रहा हूं आपको जिससे आप आराम से उसमें काम कर सके मार्केट का आखिरी वाला लो कहां पर बना आखिरी वाला लो देखो आपका ये बना है अब आप बोलेंगे सर ये बना है ये कंसोलिडेशन है कंसोलिडेशन है आखिरी लो बना है ये वाला इसका मतलब अगर मैं इसके नीचे लाइन डाल दूं तो मार्केट इसके नीचे सेलिंग में है और एक बड़े सेल में है ठीक है तो अब फिर मार्केट सेलिंग में आ जाएगा मार्केट को आप सेल कर पाएंगे तो आईसीआईसी बैंक आपका सेलिंग में रहेगा बजाय बाय के अगर ये नीचे आए आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं देखे कि मार्केट का आप फीबोने यहां पर यहां से फीबोने लगाएं और देखें कि मार्केट अगर 50 परसेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप सेल कर सकते हैं इसको आराम से कल मार्केट वैसे भी सेल होगा मैं आपको निफ्टी फिफ्टी दिखा देता हूं एक मिनट निफ्टी फिफ्टी देखिए इसी इसी बिल्कुल सेम सिस्टम पर निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है चलिए <coughs> देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी फिफ्टी को अगर मैं यहां पर देखता हूं ये मैंने हटा दिया निफ्टी फिफ्टी को प्लीज चेक करना कि मार्केट ने क्या किया यस लास्ट वाला लो कौन सा था प्लीज बताएं लास्ट वाला लो निफ्टी फिफ्टी का कौन सा था देखो लास्ट वाली रैली ये रही है दिख रही है ये रैली है लास्ट की तो मेरे को मार्किंग करनी थी यहां पर ये देखिए राइट मार्केट देखे नीचे आया ऊपर एनवे बनाता हुआ आया नीचे और उसके बाद नीचे इसके टूट गया तो क्या इस पॉइंट पर सेल होनी थी हा या ना प्लीज बताएं सेल होनी थी ना यहां पर देखो पॉइंट था सेल का मार्केट नीचे आया मार्केट टेस्ट करने गया फिर मार्केट नीचे आया फिर मार्केट टेस्ट करने गया और उसके बाद मार्केट गिर गया उसके बाद फिर से मार्केट मार्केट टेस्ट करने गया देखिए अब क्या कर रहा है आप देखें मार्केट फिर से एक बड़े डाउन की तैयारी कर रहा है बड़े डाउन की तैयारी कर रहा है अगर आप इसे वीक में देखेंगे तो आपको छोटा सा एक पॉइंट समझ में आएगा वो मैं आपको डे में एक मिनट दिखा देता हूं वो पॉइंट आपको दिखाता हूं ये देखिए मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जो मार्केट अभी फिलहाल लेके बैठा हुआ है कौन सा सपोर्ट है हम किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं मैं कोई इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं इंडिकेटर के बेस पर भी मैं आपको सेलिंग बता देता हूं ये देखिए मार्केट का ये सपोर्ट है बहुत अच्छा अच्छा सपोर्ट है मार्केट यहां से रिटर्न कर सकता है लेकिन जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक हम कोई आ, मार्केट में अपनी बायसेल नहीं करेंगे यह बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट ने लास्ट टाइम भी एक अच्छा यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया लास्ट टाइम भी उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया इस बार भी मार्केट जा सकता है तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मार्केट नहीं जाएगा यहां से प्राइस एक्शन क्या बनना चाहिए अब जरा हम छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन को यूज करते हैं अब देखो मार्केट के अंदर प्लीज जरा चेक करें मार्केट की ये जो बन रही है कौन सी है वेब ये कौन से नंबर की वेव है फर्स्ट नंबर की ना यस yes. पहली वेव आप इग्नोर कर दे पहली वेव में हम बाय करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी गलती है सबसे बड़ी गलती कि हम पहली वाली वेव पर बाय करते हैं आप पहली वाली वेव को जाने दीजिए इस वेव को जाने दीजिए कल अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है तो भी जाने दीजिए मार्केट को जाने दे और जब रिट्रेस करेगा तो रिट्रेसमेंट में चेक करें कि सिक्सटी पे मार्केट का व्यू क्या है आराम से एक बार और सुने मार्केट को यह चेक कीजिए यह आपका फर्स्ट है इसको इग्नोर करना है फर्स्ट वाली को बिल्कुल छोड़ देना है सेकेंड वाली को आपको ऑब्जर्व करना, करना है और यह देखना है, क्या 61 के रुक रहा है या नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है तो छोड़ दे अगर मार्केट सिक्सटी वन से ऊपर चला अभी आपकी बाय नहीं बनी है आपकी बाय इसके ऊपर आएगी राइट पॉइंट को समझे छोटा सा दीपक नाइट्रेट भी मैं चेक कर देता हूं देखो अभी निफ्टी जो है अब जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा कल अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट ब्रेक ना करे मार्केट यहां पर एक दो दिन घूम ले राइट चलिए दीपक नाइट्रेट को भी एक बार चेक करते हैं दीपक नाइट्रेट को भी चेक कर लेते हैं दीपक नाइट्रेट क्या कर रहा है और मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में यूज करने की कोशिश करूंगा चलिए इंट्रा डे चलो इंट्राडे भी बताता हूँ आपको इंट्रा डे कैसे करेंगे उस पर भी मैं बात करता हूँ जरा मेरे को एक चीज़ बताइए चलिए मैं इसको वीक पे रखता हूँ इंट्राडे भी बताता हूँ इंट्रा डे कैसे काम करना है जरा देखें मार्केट के अंदर पहला लास्ट वाला लो कौन सा बना था जरा चेक करें मार्केट के अंदर लास्ट लो ये था अब आप बोलेंगे सर आप कभी तो आप ये करते नीचे कभी ये वाला कर लेते तो जरा एन वेव का लास्ट लो का कंसेप्ट समझ लीजिए मार्केट में लास्ट लो कौन सा माना जाएगा जिसके ऊपर मार्केट निकल चुका है जिसके ऊपर मार्केट निकल चुका वो लो माना जाएगा अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं निकला है तो ये लो नहीं माना जाएगा राइट बिल्कुल सही बात है आप पूरे दिन सिस्टम पर नहीं बैठ सकते बिल्कुल नहीं बैठ सकते अब उसके तरीके क्या है मैं आपको उसका तरीके बताता हूं जिससे आप आराम से उसमें काम कर सके ठीक है प्लीज समझिएगा दीजिए मेरे को दो मिनट फिर मैं आपको समझाता हूं पहले समझा देता हूं जरा इसको जरा समझे आपकी सेलिंग कब आनी थी इस सिस्टम के अंदर दीपक नाइट्रेट में सेलिंग कब आनी थी इसके नीचे राइट फर्टिलाइजर चलिए नाइट्रेट भी दिखा देता हूं मैं अच्छा शायद दूसरा खुला कोई इशू नहीं है ठीक है या दूसरे वाले पे चेक कर लेते हैं किसी कोई भी चार्ट दीपक फर्टिलाइजर दीपक नाइट्रेट एन टी आर ये रहा चलिए इसको चेक करते हैं इसको भी पॉइंट को जरा चेक करें ये पॉइंट आपका प्लीज ध्यान से चेक करना आपका मार्केट ने लो कहां पर बनाया प्लीज बताएं ये दीपक नाइट्रेट आपके सामने मार्केट ने लो कहां बनाया हुआ है बताएं मैं वीक का लो बात कर रहा हूं वीक का लो मार्क कर रहा हूं मैं कौन सा वाला लो है प्लीज आप मेरे को मार्क करके बता दे यस रैली यहां से पकड़ते हैं यस कौन सा लो है क्या ये वाला लो है यस और नो जो मैंने मार्क किया यस और नो क्या यही मार्क है जल्दी से देख के बताएं <coughs> क्या यही है मार्क कर ले इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं इसको मार्क कर ले ये देखो मैंने इसको मार्क कर लिया ये मैंने इसको मार्क कर लिया ये रहा मार्किंग अब चले आगे अब देखें मार्केट कहां पर है क्या मार्केट उसी जगह पर ट्रेड कर रहा है यस और नो दीपक नाइट्रेट प्लीज बताएं, कहां ट्रेड कर रहा है इसके नीचे सेलिंग है या नहीं येस और नो अगर आएगा मार्केट तो आप बताएं प्लीज सिंपल कोई रिस्क नहीं कोई कुछ नहीं आप समझे इसके नीचे आप आराम से सेल करके जा सकते हैं आप छोड़ दीजिए इसको आराम से अब घूमने जाइए इसके नीचे आपको एक बड़ा सेल मिलेगा उसका रीजन क्या है उसका रीजन जरा समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप छोड़ के चले जाए और आपको सेल मिलेगा <laughs> मार्केट को चेक करें पहली बात तो मार्केट जो है डाउन लेते हुए आया है राइट और मार्केट उसके ऊपर नहीं गया समझे इसके नीचे आपको एक अगर सेल अगर कैंडल भी खुली मिल गई इसके नीचे तो भी आपका बड़ा सेल एक्सपेक्टेड है आप इसको छोड़ के घूमने जा सकते हैं ऑफिस जा सकते हैं मार्केट आपको बहुत बड़ा डाउन देगा राइट है जरा एक छोटा सा पॉइंट में आपको ये तो मैंने आपको ईशी मोकू समझाया अब जरा इसी जगह पर अगर ईसी मोकू मैं लगा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा चलिए मैं आपको इस पॉइंट पर ईसी मोकू का कंसेप्ट यहां पर। यहां पर आप क्या कर सकते थे आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो आर लगाता हूं नीचे आरएसआई लगाता हूं मैं तो आर जैसे ही फिफ्टी के नीचे जाएगी तो या फोर्टी के नीचे जाएगी मैं सेल कर दूंगा क्रूड ऑयल भी देखो कोई इशू नहीं है कोई भी नेचुरल गैस में एक बाय मिलेगी शॉर्ट बाय आपको ठीक है यहां पर समझे यहां पर अगर मैं क्लाउड लगा दूंगा तो मेरे को क्या बोलेगा जरा देखे क्लाउड आपका सेलिंग में या बाइंग में है बताएं बिल्कुल अगर मार्केट इसके नीचे निकला इसके नीचे निकला और कन्वर्जल लाइन के नीचे ही रहा तो सेल हो जाएगी बड़ी अच्छी समझे एक बहुत अच्छी सेल मिलेगी आपको अगर मैं यहां पर से देखता हूं सपोज क्रूड ऑयल देखता हूं चलो कोई फर्क नहीं है आप किस में काम कर रहे हैं मेरे लिए तो चार्ट है चार्ट है बस चार्ट है कोई सा भी चार्ट ये देखिए क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल को अगर मैं यहां पर देखता हूं वीक में बड़े टाइम फ्रेम में तो पॉइंट को नोट करो यहां पर क्रूड ऑयल बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्जल लाइन के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है जरा प्लीज बताएं यहां पर वनडे में क्या होना चाहिए प्लीज बताएं कोई भी यहां पर क्या होना चाहिए वनडे में क्रॉसओवर के ऊपर यस और नो यहां पर क्रॉसओवर के ऊपर होना चाहिए मार्केट चलिए देखते हैं अगर वो क्रॉसओवर के ऊपर है ठीक है अगर वो क्रॉसओवर के ऊपर है तो बाय बनाएगा देखिए यहां तो क्रॉसओवर डाउन का होने के लिए तैयार है इसका मतलब यहां से एक सेल एक्सपेक्टेड है क्रूड की और एक क्रूड की सेल एक्सपेक्टेड है बाय नहीं आप इसके लिए सेल के लिए तैयारी करेंगे अगर मैं यहां पर नेचुरल गैस की बात करता हूं नेचुरल गैस की बात करता हूं ये नेचुरल गैस है कोई सा भी आप नेचुरल गैस उठा लीजिए ये देखिए नेचुरल गैस की बाय बन रही है प्लीज मेरे को बताएं आपको सबको दिख रहा है कि नेचुरल गैस की बहुत प्यारी बाय बनने वाली है यस और नो बताएं प्लीज दिख रहा है नेचुरल गैस सबको दिखाई दे रहा है इस समय और मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इस समय आपका वन आर में अगर कन्वर्जन लाइन बेस लाइन का क्रॉस ओवर हो गया तो हो, अगर हो चुका है तो वहां से आपको बहुत अच्छी आपको पॉइंट मिल जाएंगे अच्छा कैसा पैसा आप वहां से कमा सकते हैं अब यहां पर जरा चेक कीजिए वन आवर अगर मैं वन आर देखता हूं तो वन आवर आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने आपको बहुत अच्छी बाय दे चुका है और मार्केट अभी भी बाय देगा अभी भी आपको बाय देगा मार्केट समझ रहे हैं? तो मार्केट को आप कोशिश करें कोशिश करें कि मार्केट को हम तरीके से समझेंगे तभी हमें बाय मिलेगी देखो मार्केट को मेरे को पता है कि मार्केट कब आपकी बाय पकड़ेगा ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर इस समय अगर मैं देखता हूं तो इसकी लाइंस भी पास पास आ रही हैं ये कन्वर्जन बेस लाइन मेरे को पास में चाहिए यहां पर चेक करें ये अगर पास में आ जाती है और उसके बाद मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाता है तो आपको बहुत प्यारी बाय दे सकता है राइट चार नंबर बाय आपको यहां से मिल जाने वाली है चलिए आप जरा एक पॉइंट नोट करते हैं ये मैंने आपको बताया है क्लाउड के बेस पर क्लाउड बहुत अच्छे अच्छे तरीके से काम करते हैं सिंगल क्लाउड डबल क्लाउड सारे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं डबल इशिमो को क्लाउड भी मैंने बताया हुआ है सिंगल इशिमो को क्लाउड uh, के साथ मैंने काम किया अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ छोटा से अभी <coughs> अभी है हमारे पास टाइम एक छोटा सा पॉइंट आप नोट करें मैं इन सब को क्लाउड को भी हटा रहा हूँ चलिए आप बोलते हैं कि सर आप क्लाउड में ही काम करते हैं चलो छोड़ो क्लाउड को भी छोड़ देते हैं छोड़ दिया क्लाउड को भी अभी हम आगे चलते हैं प्लीज मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं ट्रेड करने का और यह दूसरा प्राइस एक्शन है दूसरा प्राइस एक्शन जरा इस पॉइंट को नोट करना प्लीज चेक करना अब आप मैं आपको यूज करा रहा हूं सबसे सिंपल मेथड मूविंग एवरेज सबसे सिंपल इससे सिंपल शायद कुछ इस ट्रेडिंग मार्केट में नहीं होता राइट इसका मैं आपको इंडिकेटर का नाम भी बता रहा हूं केवल मैं मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं चलिए मैं मूविंग एवरेज से आपको बाय निकाल के दिखाता हूं शायद आपको कोई ये जल्दी से नहीं बताएगा या आपको पता होगा पर आप शायद यूज नहीं करते होंगे आप इसको प्लीज चेक करना कि आपको यहां से बाय कैसे मिलती है राइट अब देखने की कोशिश करते हैं हम कि यहां से मेरे को बाय कैसे मिलेगी आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा मैं बाय और कैसे बाय निकलेगी प्लीज इस चीज को चेक करना मार्केट देखिए नीचे गिर रहा है पॉइंट नोट करते जाना ये सारे पॉइंट आपके काम के हैं मार्केट आपका नीचे गिर रहा है ये नीचे गिर रहा है मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है राइट right? अब यहां से पॉइंट को नोट करना छोटा सा पॉइंट मार्केट ऊपर चला पॉइंट सीधा सीधा नोट करना मैंने अभी टाइम फ्रेम लगा रखा है डे का मेरा टाइम फ्रेम कौन सा है डे का आ, सर एक बार बाय मिले तो मार्केट में कब तक आ, रुके रहना ये भी बताते हैं बिल्कुल सर एक बार बाय मिले तो कब तक रुके रहना बिल्कुल सही बात है अभी जरा इसको भी चेक करते हैं लेकिन मैं आपको पहले क्लाउड से हटके एक बाय बताता हूँ राइट सिंपल सी बाय मैंने बोला मेरा मूविंग एवरेज प्लस पिवोट दे मैं आपको तरीका बताता हूं उसके बाद आप चाहे पी लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं मेरा मैंने बोला यहां पर मकसद मेरा आपको एंटर कराना नहीं है कोर्स में मेरा मकसद केवल और केवल आपको ये बताना है कि आपकी ट्रेडिंग सुधर जाए बस चलिए मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ और उस कंसेप्ट के बाद आप इसे किसी भी स्टॉक में प्लीज लगा के देखिएगा और क्या ये कंसेप्ट काम करता है नहीं करता मेरे पास ये समझिए कि मैं खाता पीता भी सारे ट्रेड ही सीधा सीधा आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा पूरा दिमाग पूरे दिन ट्रेड के अंदर ही रहता है ठीक है पूरे दिन मेरा दिमाग ट्रेड के अंदर ही घूमता रहता है और मैं इसलिए नहीं घूमता कि पैसा कितना कमाना है मेरा दिमाग इसलिए घूमता है ट्रेड के अंदर कि मैं कैसे नई नई चीजें निकालूं बस केवल मैं यही देखता हूं कैसे मैं नई नई चीजें निकालूं बस केवल इसमें मेरा दिमाग चलता है पैसा है मेरे पास अपना मेरे को ऐसी जरूरत नहीं है राइट अब जरा समझते हैं प्लीज समझिए इसको अब मैं आपको मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेड लेना बता रहा हूं प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज यह टॉपिक है प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज और इसके साथ में क्लाउड को अगर मर्ज कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं इसको प्लीज जरा इसको चेक करें मार्केट देखिए ऊपर चला पॉइंट नोट करना मार्केट ऊपर चला यह आपकी फर्स्ट वेव है फर्स्ट वेव है राइट right? या मैं आपको और तर अच्छे तरीके से समझाता हूं जरा एक पॉइंट चेक करें मैं डे टाइम फ्रेम में लेता हूं डे टाइम फ्रेम में डे टाइम फ्रेम में मार्केट जब ऊपर चलता है आपको पता है मार्केट जब ऊपर चलता है तो कौन से लेवल पर रिट्रेस लेता है प्लीज बताएं कौन से लेवल पर रिट्रेस लेता है मार्केट यस इधर 61 और 50 राइट right? जल्दी से बताएं टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास 15-20 मिनट बचे हैं ये भी मैं चाह रहा हूं आप सीख लें तो आपके पास अच्छा रहेगा राइट फिफ्टी और सिक्सटी वन बिल्कुल सही दिनेश जी हमारे पास फिफ्टी और सिक्सटी वन लेवल है अब जरा छोटा सा पॉइंट नोट करना आराम से बजाय कमेंट के कमेंट छोड़ दे और इसको नोट करें कि मैं क्या बोल रहा हूं ये पॉइंट आपके काम का है ठीक है डिफरेंट टाइम फ्रेम में बताता हूं एक बार आप इसको समझे जरा देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा है वन डे के अंदर ये डे का टाइम फ्रेम है नोट करना जरा वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट जब ऊपर जाता है तो रिट्रेस करता है मार्केट कहां तक सिक्सटी वन तक राइट हमें नहीं पता अब क्वेश्चन समझे मेरे को नहीं पता मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा राइट सिक्सटी वन से मार्केट नहीं पता कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो अब मैं आ रहा हूं एक घंटे पर पॉइंट को नोट करना अब मैं आ रहा हूं एक घंटे पर एक घंटा मेरे को बताएगा कि मेरा इंट्राडे में कब बाय होगी पांच मिनट नहीं बताएगा आपको इंट्रा डे बाय आपको टाइम फ्रेम बताएगा वन आवर एक घंटे में आपको क्या चेक करना है जरा पॉइंट को नोट करना दोबारा से इस पॉइंट को बता रहा हूं वन डे के अंदर मार्केट ऊपर गया मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा और उसके बाद मार्केट ने सिक्सटी वन परसेंट रिट्रेस किया अब मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए ठीक है कन्फर्मेशन डिफॉल्ट सेटिंग इश्यू में क्योंकि वही रखना कोई चेंज मत करे सिंपल रखे वही राइट ये देखो मार्केट नीचे आया 61 परसेंट पे मार्केट ने रिट्रेस किया अब मेरी कंडीशन क्या है मेरे को यह पता करना है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कहां जाएगा अब मैं गया एक घंटे पर एक घंटे पर मार्केट क्या कर रहा होगा प्लीज बताएं एक घंटे पर मार्केट ऐसे डाउन आ रहा होगा राइट और रॉन्ग इस ड्यूरेशन में मार्केट ने क्या किया होगा एक घंटे में बताएं यस प्लीज बताएं क्या किया होगा इस ड्यूरेशन में मार्केट ने डाउन आया होगा ना एक घंटे में यस yes. अब आप यहां पर एक मूविंग एवरेज का यूज कर ले समझे अब यहां पर आप एक मूविंग एवरेज का यूज कर ले पर और मूविंग एवरेज कौन सा मूविंग एवरेज लें 50 वाला 50 का मूविंग एवरेज यहां पर यूज कर लें जब तक मार्केट एक घंटे में मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले आपका बाय नहीं बनेगा और इसके ऊपर आपका बाय बन जाएगा आप चाहो तो यहां पर पिवोट का यूज कर सकते हो अगर मार्केट इस टाइम पर ब्लैक पिवोट के मतलब सेंटर पिवोट के ऊपर निकल गया और मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकला तो आपको एक पाए मिलेगा पॉइंट नोट कर ले मैं इसे एग्जाम्पल के साथ में आपको दिखा देता हूं ये देखिए वन डे है और मैं यहां से इस पॉइंट को ले रहा हूं ठीक है कोई भी पॉइंट ले लेते जहां पर भी मार्केट जा रहा हूं कोई और स्टॉक ले लेते हैं नेचुरल गैस नहीं लेते सपोज कौन सा रिलायंस ले लेते हैं आपकी बार रिलायंस पे काम करते हैं चलिए रिलायंस को देखने की कोशिश करते हैं रिलायंस क्या कर रहा है मेरा नेटवर्क थोड़ा सा आज वीक है हल्का सा तो आपको भी शायद इशू मूविंग एवरेज विद डिफरेंट टाइम फ्रेम बिल्कुल जरा एक पॉइंट को नोट करें प्लीज एक पॉइंट नोट करें मैं आपको एक पहले पॉइंट नोट कराता हूं काम का है ये देखिए वन डे के अंदर वन डे के अंदर पॉइंट नोट करते रहना वन डे के अंदर मार्केट गिर रहा था बुरी तरह से वन डे के अंदर मार्केट गिर रहा था बुरी तरह से मार्केट गया ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई इंडिकेटर नहीं लगे हैं मैं लगाता ही नहीं कोई जरूरत ही नहीं है आपका जब प्राइस सेक्शन काम करता है इंडिकेटर का क्या यूज है बताएं यस जब आप अपने पैरों पर पे चल सकते हैं तो बैसाखी क्यों लेनी है बताएं मेरे को प्लीज आप लोग ही बताएं यस जब आप अपने पैरों में चल सकते हैं तो क्या आपको बैसाखी की जरूरत है हाँ या ना नहीं है अपना पैर मतलब आप प्राइस एक्शन है आप प्राइस एक्शन के साथ अगर चल सकते हैं तो आपको बैसाखी की जरूरत नहीं है आप जरा पॉइंट समझे मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं छोटा सा ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर चला और मार्केट यहां से रिट्रेस किया इस रिट्रेसमेंट के टाइम पर आपका वन आवर में क्या किया होगा बताएं यस की लगाएं यूज फीबोनैकी सीधा कोई ज्यादा टेंशन नहीं है आप इसे सीधा फीबोने लगाएं ये देखिए फिबोनैकी ये मैंने लगाई और मार्केट कौन से लेवल पर रुकेगा नीचे बिल्कुल लाइन से आप चेक करें इसको मैं आपको चेक करा देता हूं ये देखिए ये लेवल और मार्केट ऊपर कौन से लेवल पर मार्केट रुकेगा प्लीज बताएं यस लेवल कौन सा होगा यही सिक्सटी वन ना अब जरा समझे अब एक पॉइंट है अब मैं आपको इस ड्यूरेशन में लेके जा रहा हूं पॉइंट समझना प्लीज अब मैं आपको इस ड्यूरेशन में लेके जा रहा हूं अंदर जब मार्केट ने ये डाउन डाला होगा देखिए ध्यान से चेक करें यह डाउन जब मार्केट ने डाला होगा अब मैं एक घंटे में चल रहा हूं एक घंटे में जाके मैं वहां पर देखने की कोशिश करता हूं प्लीज जरा चेक करें कि वहां पर उस डाउन ये रहा डाउन देखिए नोट करना प्लीज इस पॉइंट को नोट करना ठीक है ये देखिए ये डाउन था आपका मार्केट का यहां पर आपको कौन हेल्प कर सकता है जहां पर आपको हेल्प करेगा आपका मूविंग एवरेज ध्यान से चेक करें ठीक है मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा देखिए मैं आपको मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेड करना बता रहा हूं ये मूविंग एवरेज और वो भी 50 का 50 का मूविंग एवरेज ये देखिए पॉइंट को जरा यहां पर क्या हुआ दोबारा से पॉइंट को एक बार समझ लें ये देखिए वनडे के अंदर वनडे के अंदर मार्केट ने कौन सा रिट्रेसमेंट लिया ये पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है या नेगेटिव रिट्रेसमेंट है बताए मार्केट गिर रहा था तो ये तो पॉजिटिव रिट्रेसमेंट हुआ ना पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है ये अगर मार्केट पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है तो मैं गया एक घंटे में और मैंने जाके वहां पर देखा एक घंटे में कि मार्केट डाउन में आ गया बिल्कुल आने दीजिए ये देखो मार्केट यहां तक डाउन में आ गया आने दीजिए अब आपको बाय कब करनी है ये समझे जरा आपकी बाय कन्वर्जल ये सॉरी मूविंग एवरेज के ऊपर होगी मूविंग एवरेज के ऊपर बाय होगी ठीक है ये बात ध्यान रखना हमेशा कोशिश करें कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट बाय ले <coughs> लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी है आप चाहो तो यहां पर अपना पीवोड का यूज कर सकते हो ऐसी जगह पर पीवोर्ड का यूज करें चलिए मैं आपको यहां पर पीवोर्ड भी लगा के दिखाता हूं अगर आप यू मैं कभी यूज नहीं करता पर मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसे लगा के दिखाता हूं यस आप जरा मेरे को बताएं मार्केट मार्केट क्या पीवोर्ड के ऊपर था प्लीज बताएं मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं इसको क्या मार्केट यहां पर जब ऊपर गया तो पीवोर्ड के ऊपर गया था यस और नो चेक करें नहीं था ना यस yes. पीव के ऊपर नहीं है मार्केट आप वहां पर बाय नहीं कर सकते भले ही मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया पीवर्ट के ऊपर नहीं है तो आप बाय नहीं करेंगे वहां पर रुक जाएंगे राइट right. फिर से मार्केट नीचे आया देखो फिर से मार्केट नीचे आया अब की बार मार्केट पीव के ऊपर गया और इसके मूविंग एवरेज के भी ऊपर गया अब आप आराम से बाय कर सकते हैं चलिए एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछता हूं यहां पर ही आप कैसे भी काम कर सकते हैं जैसे मर्जी काम करें अच्छा एक छोटा सा पॉइंट आपसे और पूछता हूं शायद आपके काम का हो एक छोटा सा पॉइंट है आपसे पूछता हूं मैं राइट ये मेरा फिफ्टी मूविंग एवरेज है और ये मेरे पीवोट्स लगे हैं देखिए आप जब पीवोट पे काम करते हैं तो मैं आपको पीवोट का एक ड्रॉबैक बताता हूं आप प्लीज उसके साथ में थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिएगा राइट यहां पर मेरा एक मूविंग एवरेज है और ये मेरे पीवोट है ये मेरे पीवोट है ये देखिए ये पूरी सेल है यहां तक सेल है यहां से बाई शुरू हुई अब मेरे को बताएं इस ड्यूरेशन में चेंज कौन हुआ चेंज कौन हुआ मूविंग एवरेज चेंज हुआ इस ड्यूरेशन में या पिवोट चेंज हुए ये बताएं। इस प्यूरी ड्यूरेशन के अंदर मूविंग एवरेज चेंज हुआ या पिवोट चेंज हुए जल्दी से बताएं प्लीज पिवोट्स या मूविंग एवरेज जल्दी से बताएं यस yes. चेक करें जरा कब तक पीवोट पीवोट यहां पर चेंज हो रहे हैं कंसिस्टेंट पीवोट नहीं है प्लीज आप देखो आप अगर देखते हो आपको पता होगा आपने ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि वन मंथ का जो पीवोट है वन मंथ का पीवोट एक साल तक काम करेगा वीक का पीवोड भी एक साल तक काम करेगा अगर डे का पीवोट है तो वो आपका अराउंड वन मंथ काम करेगा वन आवर का पीवोट है वो तो फाइव डेज काम करेगा फाइव डेज मतलब वन वीक काम करेगा इसका मतलब अगर मैं एक घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूं तो मेरा पीवोट हर हफ्ते चेंज होगा हर हफ्ते चेंज होगा आपको ये चेक करना है कंसिस्टेंट है मूविंग एवरेज जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ना आ जाए तब तक बाय नहीं लेगा मार्केट राइट right? आप देखिए इस वीक में चेंज हुआ इस वीक में चेंज हुआ अगले वीक में चेंज हुआ फिर अगले वीक में भी चेंज हुआ मार्केट जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगा तो बाय नहीं बनेगी दूसरा केस यहां पर दूसरा केस मार्केट को अब यह क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आप प्लीज बताइएगा कि पहले मार्केट पिवोट के ऊपर आना चाहिए या मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए पहले किसके ऊपर आएगा इसके ऊपर आपकी बाय डिपेंड है प्लीज इसके ऊपर आपकी पूरी बाय डिपेंड है कब आप इसमें काम करेंगे चलिए जाते आते मैं आपको एक और तरीका बताता हूं आप एक और तरीके से भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं काम आएगा आपके इन सबको मैं हटा देता हूं कब तक ट्रेड में बने रहना है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं राइट right? पहले मूविंग एवरेज बिल्कुल दिनेश जी सही बोल रहे हैं सबसे पहले मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए मार्केट उसके बाद पीवोर्ड के ऊपर आएगा राइट right? आप देखिए यहां पर एक काम कर सकते हैं छोटा सा आप यहां पर दो चार्ट का यूज करें आराम से चेक करें मैं क्या बोल रहा हूं आपको ये मैं दो चार्ट का यूज कर रहा हूं इसी स्टॉक में दिखाता हूं मैं रिलायंस है ठीक है यहां पर देखिए मैं दो चार्ट का यूज कर रहा हूं जरा ध्यान से चेक कर ले मैं क्या कर रहा हूं फिर क्लास को मैं रुकूंगा ये देखो ये रिलायंस है मैंने दोनों चार्ट रिलायंस के यूज किए दोनों चार्ट मैंने रिलायंस के यूज किए हैं देखो राइट right? और निफ्टी ले लेते हैं निफ्टी जा रहा है नीचे चले निफ्टी को ही ले लेता हूं मैं ये निफ्टी ले लिया मैंने ठीक है अब जरा समझे निफ्टी फिफ्टी मैं इस पर किस पे काम करने को बोल रहा हूं आपको अगर आपको एक और एक्यूरेसी चाहिए तो आप यहां पर और भी सेटअप यूज कर सकते हैं जो कि आपके काम का हो सकता है देखें वो सेटअप क्या है ये सेटअप आपका नॉर्मल सेटअप है ध्यान से चेक करिए ये सेटअप आपका नॉर्मल सेटअप है इसमें आप चाहे मूविंग एवरेज लगा लीजिए चाहे पी लगा लीजिए कुछ भी लगा दीजिए राइट साइड वाला जो निफ्टी फिफ्टी है इसमें मैं यूज कर रहा हूं रैंको आप बोलेंगे सर रैंको कैंडल खराब होती है बिल्कुल खराब होती है लेकिन उसको यूज करने का तरीका है ये देखिए रैंको रैंको की सेटिंग आप कितनी रख रहे हैं यस रैंको की सेटिंग में रख रहा हूं वन वन सेटिंग रख रहा हूं मैं रैंको की रैंको की ब्रिक साइज में वन रख रहा हूं इसको एंटर कर दिया मैंने ये देखिए एंटर कर कर दिया इसके साथ मैं एक छोटा सा इंडिकेटर यूज रहा हूं और उसका नाम है टी आर की सेटिंग पे जाएं अगर आपको यूज करना है कर सकते हैं ठीक है ये देखिए मैंने ए टी आर यूज किया और इसको मैं रेड कलर से ही रहने देते हैं ये देखिए जरा पॉइंट को नोट करना छोटा सा ये मार्केट आपको यहां से और इधर से सेल प्रोवाइड कराएगा कैसे सेल प्रोवाइड कराएगा चलिए उसको एक घंटे पे देखते हैं अब आपको इसमें करना क्या है जरा करने का मेथड्स आप समझ लीजिए अगर इसमें काम करेंगे इसमें भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं बस आपको तरीके से चलना होगा राइट तरीके से चलना होगा जरा पॉइंट को नोट करें इसकी सेटिंग मैंने वन करी हुई है वन करी हुई है अब आप इसमें कब तक बने रहेंगे आप इसमें कब तक बने रहेंगे जब तक ए ग्रीन में रहेगा आप इसकी बाय में बने रहेंगे जब तक ए के नीचे नहीं आएगा मार्केट आपको बने रहना है आराम से लेकिन रैंकों के अंदर काम करने के लिए आपको ठीक है रैंकों के अंदर काम करने के लिए इसकी सेटिंग बहुत जरूरी है मतलब आपको चार्ट के ऊपर देखना बहुत जरूरी है खाली रैंकों पर विश्वास नहीं करना आपके पास यहां पर अगर आप देखें आपकी बाय कब बनी जरा चेक करें ये देखो ये बाय ये यहां से बाय है ये 24 तारीख को तेहरा बज के पंद्रह मिनट चौबीस तारीख को तेहरा बज के पंद्रह मिनट आप चेक करें आप यहां से बाय लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे समझिए आप यहां से बाय लेने की हिम्मत नहीं करते लेकिन यहां से आप आराम से बाय उठा के जा रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है रैंको कैंडल वापस आती है कैंडल वैसे भी वापस आती है अपना आप सपोर्ट ढूंढ के रखें वहां से आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसकी सेटिंग्स मैंने आपको पहले भी बताई आपको स्टॉक की सेटिंग कितनी रखनी है स्टॉक की सेटिंग रखनी है वन ऑप्शन की सेटिंग रखनी है पॉइंट जीरो वन आपको नेचुरल गैस की सेटिंग रखनी है पॉइंट जीरो वन आपको फॉरेक्स में काम करते हो पॉइंट जीरो जीरो वन राइट बाकी आपका गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया इन सब में आपका वन ही है कॉमोडिटी जितनी भी है उसमें वन है फ्यूचर में आपका वन है ये सब आपके पास वन वन के साथ में काम करेंगी रैंकों के साथ में ठीक है तो ये चीज आप आराम से करते रहें जितना करेंगे उतना आपको समझ आएगा उतनी आपको नॉलेज मिलेगी उतना आप काम कर पाएंगे राइट मार्केट में दो चीजें काम करती हैं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मार्केट में दो चीजें काम करती हैं आपके इंडिकेटर आपको किसी भी टाइम धोखा दे जाएंगे राइट जो बिगनर होता है समझिए जो बिगनर होता है वो सबसे पहले क्या करता है सबसे पहले इंडिकेटर लगाने शुरू करता है बिगनर सबसे पहले इंडिकेटर लगाता है और बहुत सारे इंडिकेटर लगाता है समझिए एक जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है जिसको तीन चार साल हो जाते हैं तीन चार साल हो जाते हैं तो फिर वो एक या दो इंडिकेटर का यूज़ करता है बस जिसको आठ दस साल हो जाते हैं या जो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है वो कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता वो केवल और केवल प्राइस एक्शन पे काम करेगा रैंकों का टाइम फ्रेम आप एक घंटा दीजिएगा पांच दस मिनट पे काम मत करिए रैंकों के साथ में रैंकों एक घंटा बहुत अच्छा टाइम फ्रेम के साथ में काम करेगा रैंकों का मैं एक चीज और बता देता हूं काम में आएगा आपके शायद आप क्या कर सकते हैं रैंकों को आप वनडे में देखें ये पॉइंट समझे रैंकों को आप वनडे में देखें अगर सी उठाना चाहते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको रख लीजिए मंथ है देखिए अगर मैं रैंकों को मंथ में देखता हूं तो देखो कहीं पर भी निफ्टी फिफ्टी में बाय नहीं है देख रहे हैं आप कहीं बाय नहीं है ये जब तक इसकी बाय ना आए तब तक आप इसे होल्डिंग पे ना डालें चलिए मैं आपको नेचुरल गैस दिखा देता हूं ये देखिए नेचुरल गैस समझिए ये? ये नेचुरल गैस है मार्च का ये नेचुरल गैस चल रहा है मार्च में अगर मैं नेचुरल गैस की राइट साइड में यहां पर लेता हूं तो नेचुरल गैस की सेटिंग क्या होगी मार्च की चेक करें ये देखो आपको ऐसे दिखाएगा अभी कुछ नहीं दिखाएगा यहां पर मैं आपको इसकी सेटिंग कर रहा हूं पॉइंट जीरो वन नेचुरल गैस की पॉइंट जीरो वन पर सेटिंग रहेगी ये वाली एंटर कर दिया तो अब आप चेक कर सकते हैं ये मंथ में है मंथ में अभी कोई बाय नेचुरल गैस की नहीं आई है इसका डाटा भी ज्यादा ले लें यस नेचुरल गैस में अगर मैं मंथ की बाय लेता हूं तो देखो अभी कोई बाय नहीं आई है मतलब होल्डिंग का टाइम नहीं आया अभी नेचुरल गैस में समझे अभी होल्डिंग का पीरियड नहीं आया हां अगर छोटी मोटी बाय आप कंफर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना है देखो अगर मैं इसका टाइम फ्रेम रखता हूं वन डे का तो आपको कब से बाय मिल गई प्लीज बताएं यस कब से बाय मिली यहां से इसको आप अपने चार्ट पर कंफर्म करें चलिए कब आई बाय यहां पर यहां पर आई बाईस बाईस तारीख को बाईस तारीख को बाय आई अगर मैं यहां पर देखता हूं इसको डे में ही लगा देता हूं मैं डे में ही तो मेरी बाईस तारीख को बाय आई है देखो ये रही बाईस तारीख आप यहां पर अपनी बाय उठा सकते थे आराम से चेक करें अगर आप चाहो कि नहीं मेरे को तो आर यूज करनी है चलिए आरएसआई यहां पर लगाते हैं आप इस जगह पर क्या अपनी आर को यूज कर सकते हैं बिल्कुल करें आर को यूज ये देखिए जो इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं आर की सेटिंग कौन सी से रखेंगे फिफ्टी फिफ्टी आराम से फिफ्टी फिफ्टी की सेटिंग रखें ये देखिए ग्रीन और ये रेड अब आपको कब आरएसआई को कब तक बने रहना है अब जरा समझिए पीछे रैंडम चेक करते हैं आपको कब तक इसमें बने रहना है ये देखिए जरा पॉइंट को नोट करना जैसे ही आपका बाय आता है एकदम से आर एस आई ऊपर नहीं जाएगा थोड़ी देर बाद जाएगा यहां से आपका बाय उठाएगा और आपको कब तक नहीं निकलना है इसमें से कब तक नहीं निकलना जब तक आरएसआई इसके नीचे ना आ जाए देखिए ये राय और ये पॉइंट आपका यहां कहीं होगा आप चाहे तो इसके नीचे भी निकल के आ सकते हैं पर अगर थोड़ा सा और रुक जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कहीं पर भी कोई भी आप बोले मेरे को सेल में कब तक रहना रेंडम ये देखिए आप इस बाय को जरा चेक कीजिए ये बाय आपका आरएसआई नीचे ही नहीं आएगी देखिए जब तक ये बाय में रहेगा ये आरएसआई नीचे नहीं आएगी देख रहे जिस दिन आपका ये सेल आएगा उसी दिन नीचे आएगी ये तो आप इसके साथ बाय में आराम से रह सकते हैं इसके साथ क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जिनसे आप अपनी बाय निकाल सकते हैं सेल निकाल सकते हैं ठीक है तो ये मेरे ख्याल से सेमिनार ये वेबिनार आपके लिए अच्छा रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वेबिनार आपके काम कर रहा होगा इसमें कोई मैंने इसलिए नहीं किया था कि आप लोग अपने कोर्स को ज्वाइन करना है वो आपकी मर्जी है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा ठीक है लेकिन आप कोशिश करें कि ट्रेडिंग को अपनी सुधारें और ट्रेडिंग को सोच समझ के काम करें और कोशिश करें कि ट्रेडिंग को थोड़ा सोच समझ के जब पहले एनालिसिस करने के बाद तब जाके आप अपना थोड़ा काम करें यह छोटा सा मेरा एक वर्क था ईशी मोकू क्लाउड में भी मैंने बताया आपको कि आप एक एग्जैक्ट बाय कब उठा सकते हैं सेटिंग कब आप कर सकते हैं उसकी मतलब वन डे में क्या होना चाहिए वन आर में क्या होना चाहिए पाँच मिनट में क्या होना चाहिए अगर आप सी सी ले रहे हो तो मंथ में क्या होना चाहिए वीक में क्या होना चाहिए डे में क्या होना चाहिए इनके हिसाब से आप अपनी बायसेल ले सकते हो आराम से बायसेल ले सकते हो अगर मूविंग एवरेज फीबो नैकी बेस पर काम करोगे उसमें भी आप अपनी बायसेल उठा सकते हो आराम से तो जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर बेस पर ही बाय आती है बाय तो ऐसे भी आ जाएगी ठीक है अगर आप उसमें ठीक है कन्वर्जन बेस लाइन का क्रॉस ओवर लेते हो प्राइस एक्शन साथ में ले लोगे तो आपको वैसे भी बहुत अच्छी मिल जाएगी देखिये सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड से अच्छा आपका ए है मेरी बात समझे ठीक है सुपर ट्रेंड से अच्छा आपका ए है बहुत अच्छा काम करेगा ए आपका सुपर ट्रेंड से बहुत कम से कम दस गुना अच्छा है वो राइट right है चलिए मैं यहां से रोकता हूं आ, क्लास को रोकता हूं हम लोग फिर मिलेंगे अगले वाले सेमिनार में आ, अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पर मैं आपको फिर मिलूंगा फिर से हम यूट्यूब पे आएंगे ट्वेंटी मार्च को और फिर एक नए टॉपिक के साथ में हम काम करेंगे ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक्स